मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता चला गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिनेश गाल्यान। द चर्चा 24 और स्पोर्ट्स लाइव पर आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ से 90 किलोमीटर दूर और कैथल डिस्ट्रिक्ट का चीका कॉन्स्टिट्युएंसी का गांव पिढल, आज हम इस गांव में आए हैं और जिस खिलाड़ी से हम आज बातचीत करेंगे, जिन्होंने कबड्डी को, जो आज हरियाणा में कबड्डी कहा जाता है कि कबड्डी आज करोड़ों की हो चुकी है, और यदि इस खिलाड़ी को कबड्डी का डॉन ब्रैडमैन कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिढल गांव के अड़बाद सिंह पहलवान की, जिन्होंने कबड्डी को जिया ही नहीं है, कबड्डी को करोड़ों तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अलबाद सिंह जी से। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन और कबड्डी के डॉन ब्रैडमैन अड़बाद सिंह जी, जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के पिढल गांव से बिलोंग करते हैं और कबड्डी को जिया ही नहीं है हरियाणा के लिए, कबड्डी को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके भी गए हैं, और आज हम इनका कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम आज इनसे बात करेंगे कि जो कबड्डी का स्तर आज गिर रहा है, बहुत सारे संदर्भों को लेकर गिर रहा है, केवल एक बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, हालांकि कबड्डी के इनाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पर उसके पीछे समस्याएं क्या क्या खड़ी हो गई हैं, क्या क्या परेशानियां हो गई हैं, उन पे बात करेंगे। और एक जो अलबाद सिंह जी के बारे में एक बात कही जाती है कि इन्होंने एक शुरुआत की हरियाणा के प्लेयरों को, जो केवल कपड़े और बर्तनों के लिए खेलते थे, उनको पैसे का खेल खिलाने के लिए उन्होंने उनके लिए पंजाब का मार्ग प्रस्तुत किया, साथ ही बहुत सारे खिलाड़ियों को विदेशों में खिलाने का काम भी अड़बाद जी ने किया है। तो हम आज अड़बाद जी से ही बात करेंगे कबड्डी को लेके। तो अड़बाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो मुझे जो थोड़ा एक चीज जाननी है आपसे, अड़बाद नाम ही क्यों? बस ये तो मेरे दादाजी थे, अच्छा, हम वैसे बाबा जी कह देते हैं जी जी, उनके कोई दोस्त थे मिलिट्री में, अच्छा जी, अलबाद और गाड़ सिंह नाम के, अच्छा जी, हम उसके घर में पैदा है, अच्छा जी, उसके पोते थे हम जी जी, उनने मेरे दादाजी ने हमारे दोनों भाइयों के नाम ये रख दिए जी जी, अलबाद सिंह और गाड़ सिंह। अच्छा अच्छा, तो जैसा की हरियाणा में एक प्रचलित वर्ड है अलबाद, अलबाद का मतलब समझाता है कि शरारती, तो अलबाद बचपन में कितना शरारती था? बस शरारत तो ये कबड्डी थी। अच्छा, तो कबड्डी में शरारत करी है, कबड्डी में शरारत किया, तो इसलिए कबड्डी के अलबाद सिंह आज यहाँ हैं। तो अब हम अपनी चर्चा का विषय पे आते हैं। अलबाद जी, एक बार तो हमारे सभी दर्शकों को एक बार उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, और एक बार मेरे दर्शकों को आप भी थोड़ा प्रणाम कर दीजिए कि लगे कि हाँ, मेरी तरफ से जो मेरे यहाँ आए हैं सबको मेरी तरफ से राम राम और नमस्कार, और प्रोफेसर साहब आपको खास तौर पे मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अलबाज जी, हम तो आपके बच्चों के समान हैं। तो अलबाज जी, जन्म कब हुआ? 1864। 1864 को? तो कितना लंबा कैरियर बिता दिया आपने कबड्डी में? कबड्डी तो ये लाले के हमारे गांव की टीम ही बहुत अच्छी थी कबड्डी। अच्छा जी, तो खेलना कब शुरू किया? जाम दी पहली क्लास से हमने खेलना शुरू कर दिया है। पहली क्लास में ये मेरी बाजू टूट गई थी, ये अब भी नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा, कबड्डी खेलते हो ना?
तो क्या शुरू से ही था कि आप कुरेटर ही बनना है, तो कैचर क्यों नहीं? नहीं नहीं, शुरू से तो हम नेशनल कबड्डी खेल रहे। अच्छा, नेशनल कबड्डी खेल रहे, ये छठी सातवीं लग। अच्छा जी, फिर खेले सर्कल कबड्डी। जी जी, सर्कल कबड्डी में मैं कैच करे करता। अच्छा जी, रेड में। तो शुरुआत आपने कैच से किया? कैच से करी। जी जी जी, जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक टूर्नामेंट चीका में होती थी। जी जी जी, ब्लॉक टूर्नामेंट नहीं हो रहा, हरियाणा पंजाब का ही मैच हो जाता था। अच्छा, लास्ट में। हाँ, बॉर्डर पड़ता है। वो बॉर्डर है, तो इसलिए जो जितने हरियाणा के प्लेयर है यहाँ खेलने, जी जी, और जितने पंजाब के प्लेयर है, कभी मेरे काम की टीम बन दी, कभी दूसरा काम की टीम बन दी। महारत ब्लॉक ऐसा था कि उरे बहुत बड़ा टूर्नामेंट हर साल हुआ था। जी जी जी, उस टाइम पहला ब्लॉक ही टूर्नामेंट होते थे, या कोई टूर्नामेंट गांव में करा लिया, किसी ने कोली रख दी, ग्लास रख दिया, अलग बात। जी, लेकिन जो हमारा ब्लॉक का टूर्नामेंट था ना, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होया करता, प्लेयर के हिसाब से, पैसे के हिसाब से नहीं। जी जी, सब दुनिया के प्लेयर कबड्डी के हरियाणा पंजाब के इकट्ठे हो गए। जी जी जी, इस करके माना पूरा शौक था। तो जैसा अलबाज ने बताया कि बचपन से ही इन्होंने खेलना शुरू कर दिया था, पहली क्लास से खेलना शुरू कर दिया। तो अलबाज कितने बड़े हुए जब आपने बताया कि आपने बचपन से ही शुरू किया, तो जब बाहर जाने का जो प्रोसेस आपने, मतलब एक तो अपने गांव में खेलते रहे आप, तो बाहर जाने का दूसरे गांव में या दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में जाकर जैसे अपने पंजाब में खेलना शुरू किया, तो वो यंग जनरेशन कब से शुरू हुई कि अलबाज ने जब खेलना शुरू किया? मैं पहली बार सातवीं क्लास में पढ़ू था। जी, हमारी ब्लॉक टूर्नामेंट हुई। अच्छा जी, पहली बात मैं छठी में ही दसवीं की टीम में था। अच्छा, छठी क्लास में आप दसवीं की टीम में थे। जी, मतलब नेशनल कबड्डी। नेशनल कबड्डी, नेशनल कबड्डी। जी जी, तो मैंने भी और कपड़े काट लिए। अच्छा जी, चलो मैं बीच में खट गया, मेरे काम की टीम बहुत अच्छी थी। जी, दो मास्टर थे, मास्टर मोहन राम जी, मास्टर सतप्रकाश जी जी, और एक प्रेम था। जी, मैं एक्सपायर हो गया। एक बिजली बोर्ड में था, हमारे रिश्तेदार पड़े था काम का, प्रताप जी, बड़े बढ़िया प्लेयर थे। जी, तो ये सारे खेल रहे थे, मैंने भी कपड़े काट लिए। जी, तो मेरे काम कर लद्दू ने भी उसी दिन कपड़े काट लिए। अच्छा जी, हमने दोनों नए पहली बार कपड़े काट दिए। तो लद्दू रेडर थे या कैचर थे? कैचर, कैचर थे। कैचर, माले मेरा नंबर ही नहीं पड़ा कबड्डी पाने का, क्योंकि वो बड़े प्लेयर थे। बड़े प्लेयर थे। उसके बाद यहाँ टूर्नामेंट होती है हमारे यहाँ बुन्ना गांव पड़ा। अच्छा जी, एक गुरदीप रेडर है। अच्छा जी, बढ़िया। उसके बड़े, उसके भाई भतीजे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं पंजाब के, एसएसपी रैंक के भी एसएसपी थे दोनों। जी जी जी, आजकल अमेरिका में बस के जाते। जी जी, तो मैं गए कबड्डी होगी, मैंने गुरदीप तीन चार बार पकड़ लिया। अच्छा जी, मैंने अपने मन में सोचा यार तुम तो गुरदीप होते भी तकड़ा। पकड़ लिया बस मैं, आत्मविश्वास वहां से बढ़ना शुरू हो गया। बढ़ गया, पूरा ही बढ़ गया बस। जी जी जी, पूरा आत्मविश्वास बढ़ गया। जी, अगले साल फिर ब्लॉक टूर्नामेंट होगी। जी, यही होती थी पंचायती ब्लॉक टूर्नामेंट। जी, बस उसमें फिर मैं अपना मैं लागे भी था, तो प्लेयर ही बहुत बड़े हो गए। जी जी जी, फिर हम पूरे तो फर्स्ट आके हाँ जी डिस्ट्रिक्ट खेलने गए। अच्छा जी, डिस्ट्रिक्ट 11 साल लगातार पुंडरी की टीम फर्स्ट आई थी। अच्छा, जिसमें राम सिंह पौधा अच्छा और खेल रहे थे। जी जी, मेरे गुरदीप और बोले यार ये तो टीम बहुत तकड़ी है, भाई नंबर नहीं देने का पौधा। जी, मैं यार आज मैं कबड्डी पाऊंगा। अच्छा जी, बस तो उस मैच से आपने कबड्डी अपने जोश में। अच्छा, रेडर का वो है, रेड करनी है, रेड करनी। जी, तो उस टीम, उस गांव की टीम के कैचर जबरदस्त थे। हां, रेडर भी जबरदस्त, कैचर तो बहुत जबरदस्त थे। अच्छा जी, अच्छा, गुरदीप तो नहीं नंबर दिया कोई। अच्छा, मेरा एक कैच लागे, मैंने कोई पकड़ भी नहीं खाई। अच्छा जी, तो वो पहला टूर्नामेंट आप कैसा था कि उससे पहले अलबाज सिंह कैचर था और इतनी बड़ी टूर्नामेंट में पहली बार रेड की और एक कैच खाई? सारी टूर्नामेंट मतलब उस मैच में वही मैच था और बाकी तो टीम में नहीं थी। हाँ, फाइनल मैच था। जी जी, चलो मैं मैच हार गया उनसे। अच्छा जी, हारने के बाद फिर भिवानी गई। हाँ जी, मेरी उम्र होगी 16 साल की होगी। अच्छा जी, मतलब 16 साल की उम्र में आप भिवानी खेलने? हाँ, स्टेट टूर्नामेंट है। हाँ, स्टेट टूर्नामेंट। 17 साल की उम्र, वहाँ भी मैं सेकंड ना सेमीफाइनल में हार गए। अच्छा जी, हार गए या राय गए, उस टाइम की कबड्डी नहीं थी। अच्छा जी, बहुत फरीदाबाद फर्स्ट आई, फरीदाबाद के लिए बहुत जबरदस्त मैच लग गया, एक दो नंबर थे। जी, बस हम कह नहीं सकते टीवी चार। जी, कोई नहीं, हार गए हम तो उनसे। तो आपने एक छोटी सी बात कही कि हार गया हराए गए, नहीं क्या बस हार गए तो हराई नहीं गई। अच्छा, ऐसे है, आप आ गई टीम की कबड्डी। जी जी, ये टीम आया 88 में। अच्छा जी, 30 सेकंड पहले 25 सेकंड आए। हाँ जी, 88 में। जी, फिर उसके बाद दो चार महीने बाद टीम कब लगे तो 30 सेकंड फिक्स कर दिया फेडरेशन ने। जी जी जी, उसके पहले तो रेफरी का हाथ में मैच था। जी जी जी,
जब मर्जी बिस्ल मारे थे, जब मर्जी नंबर दें थे। जी जी जी। अब तो 30 सेकंड का, 30 सेकंड का है। अब तो डबल टच में तो कोई दे दे। हाँ। नहीं तो कबड्डी क्लियर है। बिल्कुल। 30 सेकंड में इतना रोला पड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम था, उस टाइम तो कहता एक झटका नहीं मारा कैचर, पहली बिस्ल मार दी। हाँ, पहली बिस्ल मार दी। तो ये 88 के बाद फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा करे जिन्होंने टाइम रख दिया। जी जी। उससे पहले तो कबड्डी भी मुंह तक बोलनी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसा जैसे मैंने 3-4 दिन पहले भी एक इंटरव्यू लिया था, तो पहले वो कबड्डी कबड्डी बोलना रहना पड़ता था। तो वो जब तक आप अपने पाले में जाते हो कबड्डी, तब तक बोलना रहना पड़ता था। नहीं, वो बोलना भी पड़ेगा। जी जी। कबड्डी कबड्डी तो ही पहले हर कबड्डी में सांस मिले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं, पर वो मैच रेफरी का हाथ में, मैच रेफरी के हाथ में था। किसी का मान लो कोई अच्छा रेफरी तो जी। तो जब आप स्टेट चैंपियनशिप में भिवानी से सेमीफाइनल मैच में आ रहे, तो फिर उसके बाद का सफर, उसके बाद फिर हमने न्यू पता लग गया कि भी हरियाणा की टीम की भी जावे कैंप लग गए। जी जी। पहली बार हरियाणा की टीम में मैं गया। जी जी। मेरी उम्र 17 साल की थी। तो वो कौन से सन की बात है? ये सन में लग गए होगी कोई 83 की बात। अच्छा 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 अच्छा। पूरे सी। जी जी। तो मेरे ख्याल जीन थी कैंप लग रहा था। अच्छा जी। मेरी और राम सिंह पौधे के उसमें सिलेक्शन हो गई। जी। बस खेलने के बाद हम तो वापस कभी मुड़के नहीं देखते, जिसमें गए ट्रेल दे। तो फिर जब आपने ट्रेल दिया तो आपने एज ए रेडर दिया, एज ए कैचर दिया? एज ए रेडर। एज ए रेडर। मैं मैंने नहीं फिर कैच कुछ कर लिया। ठीक ठीक ठीक। फिर तो रेडर। तो सर पंजाब में बड़ी टूर्नामेंट कब से खेलने शुरू किया बाद ने? बस 80 तो ला ले। 80 से आपने पंजाब में टूर्नामेंट खेली पूरी? बड़ी। तो जैसा पहलवान जी, जो मैं अपने साइड की बात करूं, आपका अपना पानीपत है, जींद है, सोनीपत है, रोहतक है, भिवानी है, कि जब आप 80 के दशक की आप बात कर रहे हो, तो वहाँ पे तो केवल उस टाइम जो कबड्डी खेली जाती थी वहाँ पे पैसों का कोई प्राइज नहीं था। वहाँ पे जो एक और मैं आपने रोकू, 81 में टीम गई। हाँ जी। इंदौर हरियाणा की। अच्छा जी। और जो प्लेयर खेलने गए नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हमने पता नहीं था भी ऑल इंडिया कोई टूर्नामेंट भी होगा। अच्छा जी। बड़ा दुख होया यार, मां ये फलाना बग्गा टिकड़ा बग्गा प्लेयर भी इतने नहीं मारे बग्गे हो। अच्छा। अलबाद इस कबड्डी में प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं अपना? पहले तो मेरे गांव के। अच्छा जी। जिन्हें देख के मैं प्लेयर बना। जी जी जी। मतलब जो आपके गांव के जो आपके सीनियर प्लेयर थे उनको देख के आप उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? अपना मानूं कि वो अच्छे प्लेयर थे और उन्हें देख के हम प्लेयर बने। तो किसी एक दो प्लेयर का नाम जो हम हमारे दर्शक भी जान सके? ये मैं सच्चाई बोलूंगा आपको। जी। हमारे जो ग्राउंड में डेली प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ जी। मास्टर मोहन राम जी, मास्टर सत्य प्रकाश जी। जी जी। और इन लोगों ने देख के हम गए। जी जी जी। कबड्डी। जी जी जी। तो पूरे तमाम आगे बगे फिर आगे थे जिन्हें मैं सही मानू सतवीर डुल हमारे कैथल के कबड्डी कोच थे। जी जी जी। उसने कैथल के अंदर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट कराए। जी जी। और हमारी बहुत हेल्प करी। जी। उसने ही मरते ये बताया भी ये हरियाणा चैंपियनशिप भी हुआ है। जी जी। हरियाणा की टीम आगे भी जावे, सिलेक्शन हुआ है। जी जी जी। हरियाणा में तो इंडिया की भी जावे। जी जी जी। नहीं, हम तो उरी गांव में खेलते रहते थे। तो एजुकेशन भी इतनी होती, पढ़ाई लिखाई भी दसवीं अलग। अच्छा, दसवीं तक कितने पढ़े हैं आप? मैं तो 10 करी है पीछे से ताके कबड्डी वाले कड़े पढ़े लिखे ना। ठीक ठीक बात है। तो अब तो पर वो बात कहीं ना कहीं कबड्डी और बहुत सारे खेलों ने इस बात को तो कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया है कि जैसे पहले कहते पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नौबर, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो आजकल तो वो चीज़ रही नहीं, क्योंकि आजकल जो खेल में जो खिलाड़ियों ने देश का नाम पूरे संसार में रोशन किया, तो खिलाड़ियों का एक अलग स्थान है। तो अलबाज जी, मैं ये बताइए कि जब आप भिवानी से आए, आपको ये पता लग गया कि वहाँ भी टूर्नामेंटें होती हैं, तो पंजाब जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो हमारे उधर साइड, हमारी उस साइड तो केवल बर्तनों पे और चादरों पे या कंबड़ों पे मैच होते थे। तो अलबाद ने कहाँ से शुरुआत की जब पैसे टूर्नामेंटों में मिलने लग गए? वो पंजाब में शुरुआत किया, हरियाणा में? ऐसे जब पंजाब में टूर्नामेंट होती थी ना। जी जी जी। पंजाब में तो हर रेट पे पैसे रखे थे उस टाइम भी? उस टाइम। अच्छा जी। किसी ने स्टेज पे किसी ने 10 रुपए रख दिए, 20 रख दिए। हाँ, क्योंकि उस टाइम तो 10 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। ऐसे पंजाब के अंदर एक बलविंदर फिड्डा बहुत बड़ा प्लेयर। हाँ जी, फिड्डा बहुत बड़ा प्लेयर है। उस आदमी ने ही पैसा लेना शुरू करा। अच्छा जी। वो बगैर पैसे खेलना ही नहीं था। वो बोला भी पैसे की जरूरत है प्लेयर। जी जी जी। लेकिन वो खेल लेता जी जानता। वो बंदा मैंने देखा जी,
तो आपके सीनियर रहे हैं कि आप उनके साथ खेले हो? सीनियर आज तक इस धरती पर उस वर्ग का प्लेयर पैदा नहीं हुआ। अच्छा, फिड्डा फिड्डा वो मैंने 15-15 टूर्नामेंट खेलता देखा, उसका एक पकड़ बिन लग गई। अच्छा जी, अच्छा। एसएसपी रिटायर होया। अच्छा जी, उसका बड़ा दोनों कबड्डी का कोई प्लेयर हिंदुस्तान में। अच्छा, नेशनल का भी और सर्कल का भी। अच्छा, कोई कुछ कहे जाओ। जी जी जी, अमरसरिया राणा एक कैचर था जी, उससे बड़ा कोई कैचर नहीं। तो फिड्डा का पूरा नाम बताइए हमारे दर्शकों को। बलविंदर फिड्डा। बलविंदर फिड्डा, सारी दुनिया जाने। जी जी जी, नाम हमने फिड्डा का नाम तो सुना है, पर उनका जो असली नाम है ये लोग नाम लेंदे शर्मा में। अच्छा जी, ठीक जी जी, वो बहुत बड़ा प्लेयर होया। जी जी, दुनिया पे उसका कोई तोड़ नहीं था। जी जी जी, दोनों कबड्डी जी, जितने ये नेशनल के कानून बने 80 किलो तक नीचे ये फिड्डा ने देख के बने। अच्छा जी, वो नेशनल में भी सबने रहा था, सर्कल में भी। जी जी जी, मतलब आप हार जाता हाँ, आ रहे तो मरते भी है मैच। जी जी जी, पर आप तो नहीं रुका था। जी जी जी, 32-32 कबड्डी भी पा जाता एक मैच। जी जी जी, तो फिर अलबाज सिंह ने पंजाब में कबड्डी कब खेलनी शुरू की, जब वहाँ पैसों का इनाम था, वो किस सन की बात रही होगी? नहीं, ये तो जब हम ब्लॉक टूर्नामेंट शुरू करी ना। अच्छा जी, जब फिर हम पंजाब में जान लग गए, क्योंकि पंजाब आपके नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ से 4-5 किलोमीटर साथ। अच्छा 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 अच्छा, पंजाब। तो हरियाणा में ज़्यादा खेले हैं या पंजाब में ज़्यादा खेले हैं? जब बड़े मैच हुए तो मैं हरियाणा में भी खेले और पंजाब की तरफ से भी खेले। जी जी जी, पंजाब की तरफ से हरियाणा वाले गले भी खेले। अच्छा अच्छा, और हरियाणा की तरफ से भी बहुत मैच पंजाब के लिए खेले। जी जी, मतलब कि आप पंजाब हरियाणा के होते हो, पंजाब की टीम में खेल के हरियाणा के विरुद्ध भी खेले हैं? विरुद्ध भी खेले, पर वहाँ जब प्रैक्टिस किया तो अलबाज सिंह हरियाणा की टीम में रह के पंजाब के खिलाफ भी खेला है। हाँ, पंजाब के खिलाफ। जी जी जी, तो एक पहलवान जी, मैं ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा था कि जैसा आपके नाम के साथ जुड़ा है कि अलबाज ने बहुत सारे हरियाणा के प्लेयरों को, जो खासकर उस टाइम में या 90 के दशक के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो प्लेयर केवल हरियाणा में कपड़ों के लिए, बर्तनों के लिए खेलते थे, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे और लोग केवल मान सम्मान के लिए अपने गांव के नाम के लिए खेलते थे, तो अलबाज सिंह के दिमाग में ये कब ये चीज़ आई कि मैं, जो मेरे और साथी प्लेयर हैं हरियाणा के हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनको मैं पंजाब में खिलाना शुरू करूँ? तो इसके पीछे क्या रीज़न रहा है कि आपने उनको मौका दिया? मैं पंजाब में टूर्नामेंट खेलने करता। जी जी जी, वो लोग भी ये चाहने लगे भी हरियाणा की टीम आनी चाहिए। जी जी जी, हरियाणा की टीम को आज भी वो लाइक करें, पहले भी करें। जी जी जी, भी एक अच्छा टूर्नामेंट हो जाए। जी जी जी, तो मैंने निष्पक्ष जी जी जी, जो प्लेयर थे जी, जो बढ़िया प्लेयर थे जी जी जी, चाहे फरीदाबाद थे जी जी जी, चाहे सोनीपत थे, चाहे करनाल थे, चाहे जींद थे, सबको लेके आना। जी जी जी, अपने घर रखना। जी जी जी, खेल के आना, अपने घर रखना। जी जी जी, फिर वापिस उड़ता भेजना। जी जी, ये सिलसिला कम से कम 8-9 साल चले। ये अपने आप में, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं ये भाईचारा जो आज एक दिन की टूर्नामेंट है, ये भाईचारा कहीं ना कहीं इसी वजह से खत्म होता जा रहा है कि केवल टूर्नामेंट एक दिन की रह गई है। जैसा पहलवान जी ने बताया कि फरीदाबाद से खिलाड़ियों को लेके आते थे, अपने घर रोकते थे, फिर उनको टूर्नामेंट खिला के लेके आते थे, उसके बाद फिर अपने घर रखते थे, फिर उनको छोड़ के भी आते थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंसानियत की नाते बहुत बड़ी बात, और भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले किस सन में आपने खिलाया उन खिलाड़ियों को, कुछ दो चार खिलाड़ियों के नाम आप बता सकें तो? नहीं, स्टार्टिंग में जो पहला बैच था नहीं हमारा। जी जी जी, पहला बैच था मैं, रुद्दू। अच्छा जी, रुद्दू आपके गाँव से ही? हाँ, मेरे गाँव से। जी, निर्मल जी, सुतीश जी जी, दिनेश जी, चांद जी, लेखराज जी जी, कमल जी, ये 8-10 प्लेयर थे। रामदिया। जी जी जी, ये हमारा सिलसिला चले 8-9 साल। जी जी, तो एक 1990 के आसपास की बात है। ये 90 से भी पहले की बात। अच्छा, 90 से भी पहले ये की तो बात। आप ला लो 86-85 तक लाओ। जी 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 जी, ये चले हमारा 90-92 तक, 92-93 तक। जी जी जी, फिर उसके बाद ये नवी पनेरी आ गई। अच्छा, तो नए प्लेयरों में जो आजकल भी तो, चलो आज उन खेल तो नहीं होंगे, फिर मेरे के दो प्लेयर का नाम आप बता सको? नहीं नहीं, मैं खेल लिया उनके लिए। आप तो खेल ले हो, जो और जो प्लेयर आए, जैसे आपने हमारे ऑफ रिकॉर्ड हमने बात की, तो जैसे गड्डी के विजेंद्र हैं, ये तो फिर बाद में आए ना? ऐसे बहुत बाद में आए, ये तो बहुत ना, फिर ये वो छोड़ गए। हाँ जी, फिर ये नए बच्चे उठ गए। जी जी जी, फिर इसमें जुगड़ लीला हो गए खटखट, ठीक है जी, और एक विजेंद्र बड़ा बड़ेसर बड़े सर। जी जी जी, बजिंदर छज्जू गड़ी हो गया। जी जी जी, एक अनिल हो गया, एक मैं हो गया। जी जी, अच्छा एक छोरा हो वर्मा। अच्छा, वर्मा से पूरा से, वो भी 2-3 मैच खेला। जी 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 जी, ज्यादातर तो मैं, नील और लीला जी, और जुगड़, ये तो कैचर थे, रेडर। हां हां, जुगड़ बड़ा बडेसरा, बजिंदर छज्जू गड़ी वाला बजिंदर। जी जी जी, फिर बाद में बहु वाला विक्रम आ गया। जी जी जी, हम खेले। जी जी, फिर 2-4-5 साल बाद टीम और आ गए, इनके लिए भी मैं 8-10 न 2-3 साल लगातार खेल लिया, 10-15 मैच इनके लिए भी खेल लिया। जी जी,
तो यदि मैं मोटा मोटी थोड़ा अनुमान लगाऊं तो अलबाद का जी खेलने का प्रोसेस जो सही, जब एक बच्चा युवा अवस्था में आ जाता है तो 80 से लेकर और 2004 तक जो आप बताए तो 24-25 साल आप कबड्डी खेले हो। लास्ट मैच में खेला 2005 में, अच्छा जी, तो वो लास्ट मैच लेकिन कहाँ खेला आपने? फ्लोर फ्लोर, पंजाब में। पंजाब में यह जा रहे थे, मेरे को भी ले गए। अच्छा जी मैं कम तो कर खेला 2003 तक, जी 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 तीन तक तो मैं सही टूर्नामेंट खेला। जी 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 2003 के बाद एक आधा मैच जिगरा तो खेला था, नहीं सही। जी मैं लास्ट खेल लिया 2005 में, अच्छा जी तो मेरे वनडे में आई 7 कबड्डी, अच्छा मैं जी लिया 6 नंबर। फिर अच्छा जी एक लड़का था सोनी सनेत, जी मैंने कभी उस पर पकड़ नहीं खाई। जी वो बाद में तो शायद उस टाइम भी वो हाँ कनेडा कप पे बेस्ट कैचर आ रहे थे, अच्छा जी तो उसने मैं जबरदस्ती पकड़ लिया, मेरे तो जान में भी मैंने तकड़ा लग गया। अच्छा मैं जी बोला ये कबड्डी खेलना कोई फायदा नहीं, जी अपनी इज्जत बचाओ। जी फिर मैं कबड्डी नहीं खेल लिया। तो पहलवान जी, जब आपका बिल्कुल पीक टाइम था तो कितना वेट और कितनी हाइट थी जब पीक टाइम था मेरी जब आप? हाइट तो 6 फुट है। अच्छा जी, पूरी 6 फीट। हाँ और पीक टाइम था हमारा 90 में अच्छा, नहीं सही। वेट वेट हाँ वेट की, वेट तो 18 था, अच्छा एक 1 क्विंटल 18 किलो, मतलब कि जो आपका पीक टाइम था उस आठ टाइम किलो आपका वेट 1 क्विंटल एक अठारह क्विंटल अठारह किलोग्राम किलो था। अठारह किलो ठीक। तो पहलवान जी, इंटरनेशनल सबसे पहला कब खेला आपने? जब पाकिस्तान टीम गई थी, जी चलो वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट तो वो भी है, जी जी पाकिस्तान इंडिया टीम गई थी, मैं गया था 89 अच्छा जी, 89 में। 89 में, जी 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 तो और फर्स्ट भी आए थे अच्छा जी उस टाइम, फर्स्ट अच्छा, आया था इंडिया। तो वहाँ और कौन कौन सी टीम आई हुई थी? नहीं, वो पाकिस्तान की टीम थी, अच्छा, पाकिस्तान की टीम थी। पाकिस्तान टीम ठीक। फाइनल मैच 6 नंबर था, इंडिया जीता था। ठीक। बाकी तो तो उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा था? नहीं, उसमें मैंने रेड पड़ का मौके ही नहीं मिले अच्छा जी फाइनल मैच में। अच्छा, तो उसके क्या रीज़न रहे, मतलब कि आपसे पहले जो पंजाब के कुछ नहीं प्लेयर नहीं रहे? उसमें पता क्या बात थी, दोनों प्लेयर ने वहाँ, तो फिर एक पाकिस्तान का जो इंडिया का मैच हुआ ना, जी, फिर तो हाँ स्थिति कोई अलग हुआ, हाँ कुछ अलग हो जाती है बिल्कुल। और सब प्लेयरों में उस टाइम दम था। अब तो कोई भी नहीं पा सकते, नहीं 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 अब नहीं जो टीम गई थी मैंने देखा जी, धक्के धक्के दे रेड पुआ रहे थे हाँ, उस टाइम। मंगी एक सब्बा मारते ठीक रेडर थे पंजाब के, जी, उनने पहली तर लास्ट रेड तक पाई अच्छा जी दोनों प्लेयरों ने, जी जितने हरियाणा के थे पंजाब के, बाकी भी प्लेयर जा रहे थे, किसी ने नहीं रेड पाई ना पाण दी, क्योंकि मैच इतना फंस के चल रहा था। जी और सच्चाई बात है वो मारते थोड़े ठीक भी प्लेयर थे, जी 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 खेला मैं उनके लिए बाद में भी, जी वो मरता रहे भी, मैं उन जीते भी, लेकिन उस मैच में उन दोनों प्लेयर ने सच्चाई कि उनने दोनों ने कबड्डी पाई, जी। बाकी और माड़े मैच में तो तो वो मैच भारत जीत जो गया था, फाइनल था। हाँ वो फाइनल में फिर भारत जीत गया था। हाँ बार 6 नंबर था। जी, तो उसके बाद फिर जब एक बार आप 89 में पाकिस्तान के लिए आए, उसके बाद फिर कब जाना हुआ बाहर विदेश में? फिर एक वर्ल्ड कप हुआ और अच्छा जी कबड्डी का, अच्छा जी, तो उसमें जो कितने किन किन देशों की टीमों ने भाग लिया? उसमें लिया इंग्लैंड, अच्छा जी कनाडा, सिंगापुर और जी भारत, एक टीम और थी अच्छा जी, तो वो इंडिया में ये सारे मैच हुए हाँ एक को जगह हुई जी, चंद 17 सेक्टर में, सेक्टर 17 चंडीगढ़ या में। 7 सेक्टर चंडीगढ़ में, अच्छा जी, सात तो सेक्टर वहाँ फिर क्या स्थिति थी, आप इंडिया की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो? ना मैं कैप्टन था उस टाइम चांद, अच्छा जी उम्र में बड़ा था जी, क्योंकि इस हरियाणा की टीम थी, हाँ, तो मैं 84 के बाद में तकरीबन मैं कैप्टन हो गया अच्छा जी, जो टूर्नामेंट खेले, ये तो हमारे में इज्जत मान हाँ, देने की भावना तो रही। आप 84 से हरियाणा की टीम के कैप्टन रहे? हाँ जब तभी मैं 84-85 था, जी, तो जब मैंने नहीं छोड़ी है लास्ट में, अच्छा जी मैं टॉस पे जाऊंगा, मैं सारी चीजें पे, जी, फिर ये तो नील उस टाइम भी रिस्पेक्ट भी थी प्लेयरों की पूरी भी? रिस्पेक्ट, कोई बोलने नहीं था, जी, कोई बोलने नहीं। तो जो फिर वो वर्ल्ड कप जो आप बता रहे हो इसमें हुआ चंडीगढ़ में, तो वहाँ फिर क्या स्थिति रही, कौन जीता? फर्स्ट आया इंडिया, इंडिया फर्स्ट आया, तो उसमें क्या कुछ आपकी परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही? जबरदस्त, जबरदस्त, वो तो कोई मैच ही नहीं रहा, अच्छा, वो तो दुनिया तो में फाइनल मैच किसके साथ था? पाकिस्तान, कनाडा के लिए। अच्छा कनाडा के साथ था मैच। तो एक मैं छोटी सी जानकारी ये जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे आपने बताया कि 30 सेकंड और 25 सेकंड का टाइम होता था, उस दौरान एक प्रोसेस और भी होता था कि एक प्लेयर लगातार रेड कर सकता है, अब तो आपको तीसरी रेड करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें कब बंद हुई, और ये चीज़ें बंद हुई ठीक है या वो प्रोसेस ठीक था, या जो प्रोसेस अब है वो ठीक है? जो जो टूर्नामेंट हुए थे फेडरेशन के जी या एसोसिएशन के, जी ये तो जब भी बंद था जी एक छोड़ के एक रेड पानी पड़ी थी, जी मतलब गामा में ये बात चल जाती, हाँ कोई 4 भी पा रहा है, कोई 10 भी पा रहा है, कोई 15 ही पा रहा है। एक बार सरसा के लिए मैच था, अच्छा जी स्टेट टूर्नामेंट हो रही थी, अच्छा जी
कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हमारा जी जी, और हमारी टीम कैथल कुरुक्षेत्र रिदिसर से तो 14 नंबर था जी जी। मैं हम लुक के पब हमने खेलना नहीं था मैच, कोई गुस्सा हो रहा था आपस में प्लेयर। अच्छा जी। हम लुक के बैठ गए। अच्छा जी। तो हाफ टाइम हो रहा था तो मैं एक चांदी लड़का था किसान का। अच्छा जी। दोनों उन पब्लिक ने पकड़ लिए। हाँ। मैच में ले गए, मैच में लंगोटा भी नहीं बांधा। अच्छा जी। बस अंडर बियर से इतना पाई का छप्पर को पा लिया। मैंने हाफ टाइम पीछे सारी कबड्डी पाई। अच्छा। मैंने 10-12 नंबर तराई में जी जी, हाफ टाइम पीछे ही चांदी ने पकड़ मार दी गणी। हाँ। तो मैंने पकड़ो नहीं खाई जी, और वो टूर्नामेंट भी मैं फर्स्ट आया जी। तो यदि हम फेडरेशन के रूल रेगुलेशन की बात करें तो वहाँ तो प्रोसेस शुरू से ही ऐसा है कि एक छोड़ के एक रेड कर सकता है, तो वो प्रोसेस ठीक है कि अब जैसे गांवों में बात करते हैं कि अब एक छोड़ के कर दिया तो भाई इनमें स्टेमिना खत्म हो गया, इनमें जान नहीं रही प्लेयरों में, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो स्टेमिने की जब यदि हम बात करें पता के बाद ये खेले आप आगे मेडिसिन। हाँ जी हाँ जी, मैं इसी बात पे आपको लेके आना चाहता हूँ। दूध घी तो रही नहीं। हाँ जी हाँ जी। ना तो अगले में। हाँ। जो अगला भी मेडिसिन खा रहा कोई प्रोटीन खा रहा, चलो मैं तो नहीं कहता कोई बेचारा मेडिसिन खा रहा, कोई प्रोटीन खा रहा, कुछ भी खा रहा, बिल्कुल बिल्कुल, अगला भी इसी है पिछला भी इसी है जी जी। ठीक ठीक ठीक। अब ये कह कबड्डी अगले में इतना नशा हुआ रेड रात लान जावे पहले टच कर लिया अगले। कभी ये प्लेयर कोई रेड रेड मान जा रहा है, आप उसका आवाज मार के देखिए, और आइए मेरी बात सुनिए, उन्हें अकल देने की बात करिए, वो आपका नहीं मुंह ही नहीं करते, मुंह ही नहीं करता, उन्हें पता ही नहीं भी इतना कोई बुला रहे बुला रहे हैं। पहले तो 30-30 सेकंड में हाथ लाना मुश्किल हो जाता, कैचर इतने आगे के बाद जाते, बिल्कुल स्टेमिना था, प्रैक्टिस करे करें, बिल्कुल प्रैक्टिस तो भी करा कुछ हमने, कहते सारे ही है, लेकिन इन्हें न्यू हो गया भाई फलाना तकड़ा हो गया तो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा ले ले जी जी, तो थोड़ा ज्यादा ले ले। पहले तो ये था सीधा ही अपना देसी की दूध था, ग्राउंड की प्रैक्टिस थी, बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी एक दिन भी जिम में नहीं गए जी जी। आजकल तो प्लेयर जिम में जाते हैं, ग्राउंड की प्रैक्टिस कम है, सबके गोड्डे टूटे पड़े हैं, दो ऑपरेशन हो रहे हैं, मारे नहीं कुछ भी हो रहा। तो अलबाद का कैरियर में कुछ ऐसा सीन रहा है कि कहीं इंजरी होगी और कई साल तक के लिए घर बैठे हो, कुछ ऐसा रहा? नहीं, मेरा एक बार डिस्क लगी थी। अच्छा जी। मेरी। अच्छा जी। पानीपत स्टेट टूर्नामेंट हो रही थी। अच्छा जी। फर्स्ट भी हम आए थे। अच्छा जी। तो जो टूर्नामेंट में एक और मैंने दुख है, दुख की बात कहूंगा, बच्चे मैच खेलने वास्ते आ जाए ग्राउंड में जी, और 10 मिनट मैच नहीं चलता, कह दे हमारा चीफ गेस्ट आ रहे हैं, रुको। ये बहुत बुरी बात जी जी, बिल्कुल होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। मैच से अगर उसी में वो चोट खावे ठंडे हो जाए, बर्डर रहे दिमाग पे, बिल्कुल बिल्कुल। मैच बच्चे तो बुला लिए, मैच होना ही चाहिए। हाँ जी, जरा चीफ गेस्ट कोई आओ नहीं आओ, पहले पैसे इकट्ठे कर लो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ओडा मैच हाफ टाइम तभी पहले ही रोक दिया का चीफ गेस्ट नहीं आए, नीचे बैठ गए सारे जी, जेब में खड़े होने लग गए, मेरी डिस्क ही लगी। अच्छा, मतलब खेलते हुए आप नॉर्मल बैठे? नॉर्मल बैठे, मैं तो 4 महीने बेड रेस्ट पर। अच्छा जी। बस मेरा तो ये इंजरी हुई जी जी, और फिर मेरे 99 में सर्वाइकल हो गई। अच्छा जी। मैं इंग्लैंड गया भी, खेला भी इंग्लैंड, दो महीने और दवाई खा के बस 2 इंजरी हुई जिंदगी में, ना कोई उंगली टूटी, ना कुंठा, ना गोटा, ना कुछ, क्योंकि यदि आज की मेहर रही है। यदि जी बिल्कुल सही है, हम भगवान से दुआ करेंगे आगे भी आप स्वस्थ रहो, क्योंकि जो आज के वर्तमान की जो परिस्थिति है कि ये है कि कोई भी प्लेयर 2-4 साल खेलता है, उसके कभी लिगामेंट खत्म हो गए हैं, कभी उसके कंधे खत्म हो गए हैं, बहुत सारी दिक्कत है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है, कहीं कहीं थैले खा जाए उसके प्रोटीन जी जी जी, ओवर बोझ हो जाए, मेहनत कर दें जी जी जी, ग्राउंड प्रैक्टिस कर दें जी, ये ग्राउंड प्रैक्टिस करा कौन लिगामेंट, चलो कोई भगवान तो अंदर जोड़ तो लगे, कबड्डी चोट का गेम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हिसाब से जब फिजिकली पूरे फिट होगा चोट लगे जी जी जी, फिजिकल फिट होना इतना जरूरी है, खाओ कुछ जी जी जी। तो पंजाब के टूर्नामेंटों में और हरियाणा के टूर्नामेंटों में आप क्या भिन्नता देखते हैं कि वो टूर्नामेंट ज्यादा बेटर हैं या हरियाणा की टूर्नामेंट ज्यादा बेटर है? पंजाब के ज्यादा बेटर। अच्छा, उसका रीजन कोई एक दो कारण आप बता पाओ? उसका NRI। अच्छा जी, जो बाहर से पैसे भेजते हैं जी जी, मतलब पैसे का गेम रह गया। मैं भी बताऊं, मेरे दोस्त जा रहे थे जी, उन्हें टूर्नामेंट करानी थी जी, मेरा दोस्त है सुवर्णा इंग्लैंड था जी जी, एक पिंदर लड़का जी जी, मेरे के लिए खेलने जी जी जी। तो हम कोई काम गए थे, वो बिलाल बात चल 10 मिनट मीटिंग टूर्नामेंट की जी, वो 10 जने बैठे थे, मेरे दोस्त है एक फिंडी है लड़का, मेरे के लिए खेलने करता जी जी, वो भी बड़ा अमीर हो रहा है आजकल जी। वह गए,
उन्होंने एक टूर्नामेंट करानी थी जी। 10 मिनट वो बैठे वो बोले यार मेरे लिख दे 3 लाख फर्स्ट प्राइज। अच्छा जी। एक कहने लगे मेरे बुलेट लिख दे। अच्छा जी। दो जी 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 ये सुनने की बात। और एक कहने लग गया भाई जितना स्टेज का चाय पानी का खर्चा मेरा लिख दो। जी 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 ठीक। एक कहने लग गया जो दारू पानी का मेरा लिख दो। अच्छा जी। दूसरा कहा जितने कलाकार गाने वाले आएंगे मेरा लिख दो। अच्छा जी। वो 10 जने ने 10 मिनट में टूर्नामेंट कर दी जी। एक ने ग्राउंड का खर्चा उठ लिया। जी जी जी। और एक कहे चलो होटल में कुछ खाऊंगी। अच्छा। 10 मिनट में कलेक्शन करके टूर्नामेंट होगी जी। और मारे लोग तो के करेगा तो खावेगा मतलब और चीफ गेस्ट के भरोसे रहते हैं कि चीफ गेस्ट आएगा कुछ न कुछ दे के जाएगा कुछ। बस ये कह रहे कि पैसा जो पंजाब में पैसा है बहुत ज्यादा। जी जी जी। और कबड्डी वाले भी देशों में बस रहे हैं ज्यादा उठे। जी जी जी। मारा तो कोई जावे भी है दलवीर भाई साहब जा रहे हैं। हम गए थे कनाडा खेलने 2 लाख के लगभग रुपये मारते भी दे गया। जी जी जी। दलवीर जी। पर नहीं सुना कि अपना काम में उसने अच्छी हेल्प करी है। जी जी। उन्हें एक दो बार स्पॉन्सर ही भेजी कल्ला बंदा की करे। जी जी। जे मेरा पर कहीं बस जाता जाके दो जंदे। बिल्कुल बिल्कुल। डुमर गया पल्ला गया था इंग्लैंड अगला हफ्ता पुट्ठी भा गया। जी जी। रही नहीं। तो पहलवान जी मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ उससे पहले कि अलबाज जी फैमिली बैकग्राउंड भगवान की दया से बहुत अच्छा है और दर्शकों को जानकर ये खुशी भी होगी कि इन्होंने पंजाब में एग्रीकल्चर विभाग में कुछ दिन जॉब भी की पर वो छोड़ दी। और उससे बड़ी बात क्या है कि चाहे वो चौटाला साहब की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भजनलाल के टाइम की सरकार हो तो अलबाज जी को हर सरकार ने खेल के बेस पे पुलिस में लगने के लिए जॉब ऑफर की पर इन्होंने केवल अपने खेल को ज़्यादा महत्व देते हुए नौकरी को ज़्यादा महत्व ना देते हुए कबड्डी को अपने खेल को महत्व दिया है और वो तीनों ऑफर तीनों सरकारों के टाइम में वो जॉब ऑफर ठुकरा दिए हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो पहलवान जी आप थोड़ा हमें इस बारे में थोड़े डिटेल बताएं कि वो जॉब आपने क्यों नहीं की। ऐसे चंडीगढ़ एक बार ऑल इंडिया टूर्नामेंट हो रही थी जी। मैं पंजाब से हेर रहा था। जी जी जी। और हरियाणा की टीम थी फाइनल मैच हरियाणा पंजाब का जी। भजन लाल जी चीफ गेस्ट थे जी। तो मैंने 3 कमिश्नर हरियाणा के जी दसोदिया साहब जी एक कुंडरवाणी जी एक चांदीराम जी जी कलासो सैनी के गांव का जी 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 ये मेरी बाजू पकड़ के ले गए फाइनल जीत गया मैच पंजाब जीता। मैं पंजाब मेरी वजह हरियाणा रहा उस दिन। मैंने इन पे कोई पकड़ो नहीं खाई। अच्छा जी। मैं रोहित शर्मा तो आप पंजाब की तरफ से खेल रहे पंजाब की तरफ से जी जी जी। मेरे मंडीगढ़ बोर्ड की टीम खेल रही थी जी जी जी। ये हार गए मैच हरियाणा जी। तो वो मेरी बाजू पकड़ के ले गई। अच्छा जी। भजनलाल जी यहाँ पे उन्होंने कहा जी इसको हरियाणा में नौकरी दे। पहली बार तो बोला चलो पंजाब भी बड़ा भाई है जीत के कोई बात नहीं। हाँ। बेटे तेरा गेम बहुत अच्छा है। माँ जी ये बात नौकरी की हो रही है गेम तो आपने देखो लिया। हाँ। मेरी चॉइस थी बिजली बोर्ड वाला जी 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 क्योंकि ड्यूटी ना मेरे पास होती ना मैं कर सकूं। जी जी जी। बिजली बोर्ड पे उस टाइम बैन लगे हुआ था जी जी जी। बस उन्हें मैं बिजली बोर्ड की मेरे तो ऑफर नहीं दी मैंने पुलिस की आपने की मैंने सोचा भी नहीं। जी जी जी। तो अलबाज जी एक आपके बारे में जो बहुत अच्छी बात बहुत सारे लोग जानते हैं जो खेल प्रेमी हैं और खासकर जो आपके टाइम में खेल प्रेमी रहे होंगे जो आज की जनरेशन है वो तो शायद नहीं जानती होगी। और जैसा हमारी साइड में सुनने में आता है कि अलबाज ने बहुत सारे हरियाणा के बहुत सारे प्लेयरों को विदेशों में खेलने का अवसर दिया है क्योंकि अलबाज से पहले एक दो प्लेयर हो सकता है जो इनसे भी सीनियर रहे होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हों इंग्लैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं भी गए होंगे। पर यदि हम कुछ पिछले 20 या 25 30 सालों की बात करें तो अलबाज जी ने हरियाणा के बहुत सारे प्लेयरों को बाहर जाने का जो प्रोसेस शुरू किया वो अलबाज जी के नाम है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपके मन में ऐसी क्या बात है कि हमें हमारे हरियाणा के बच्चों को भी बाहर खेल के आना चाहिए क्योंकि एक चीज़ तो आपने आपकी बातों से जाहिर हो गई कि हरियाणा में पैसा कम था और हरियाणा के प्लेयरों को पैसा चाहिए क्योंकि एक खिलाड़ी जब खेलता है तो बहुत सारी चीज़ों की उसको आवश्यकता होती है। बेशक इस खेल में खर्चा कम है क्योंकि ना किट की जरूरत है ना कुछ आप एक केवल एक निक्कर और आप एक बनियान में खेल सकते हो पर उसके साथ एक खिलाड़ी को बहुत सारे एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है। हालांकि ये तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल खुश नहीं है कि कोई आज का खिलाड़ी कोई सप्लीमेंट यूज करे या कुछ इस तरीके का कुछ खाए पिए केवल देसी खाने पीने पे विश्वास करते हैं पर फिर भी यदि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हो तो एक अच्छी भैंस भी होनी चाहिए घर में जो अच्छा दूध दे सके अच्छे बादाम अच्छे काजू अच्छे क्योंकि एक मेहनत का और ताकत का खेल है। तो आपके दिमाग में था कि हरियाणा के प्लेयर जो गरीब परिवारों से हैं वो खेलते हैं तो उनको आप बाहर लेके गए तो ये आपके दिमाग में क्या है कि कहाँ उनको लेके जाएं और क्यों लेके जाएं।
मैं किसी को नहीं, मैं कह रहा हूँ इस बार उनकी किस्मत उनको लेके गई। जी 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 नहीं उसमें योगदान तो था ना आपका, योगदान क्योंकि उससे पहले तो नहीं गया था ना कोई इतना बड़ा बड़ा प्लेयर, जो क्योंकि ये शुरुआत कहीं ना कहीं आपसे हुई है। स्टार्टिंग में इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात थी जी, इंग्लैंड में गया जी, मैंने उनकी स्पॉन्सर मंगाई, नहीं भेजी लग गई जी, जी, 3-4 साल ट्राई मारी लगातार जी। फिर बात आई कोई आदमी अनिल और ने मिल गया जी, वो बोले अभी कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा, मैं भी कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा कबड्डी हर साल होता है वहाँ जी जी कनाडा ले कराते हैं, तो वर्ल्ड कप हो रहा, वो बोले अभी टीम लेके जानी है, अनिल ने मैं बुला लिया जी, तो भी क्या कनाडा वर्ल्ड कप हो रहा टीम लेके जानी है, कब है कोई आदमी जी, वो तो उसका नाम भी मेरे दिमाग में लिगड़ गया, बल्कि मेरा दोस्त है भी कमिश्नर है जी, जी, लेबर कमिश्नर है जी दिल्ली। अच्छा जी। और एक गुलिया साहब है जी, वो भी बड़े रैंक के आदमी है। अच्छा यहाँ लोगों ने कहा, मैं बोले नील भी टीम है, वो कहे भी 6 तो ले जाए पंजाब के, 6 हरियाणा जी। नील और के मन में ये थी भी यह मजाक ही है उस टाइम लग जी, मैं बोले नहीं नहीं वो वर्ल्ड कप आप चल लेंगे, मैं ये कहूँ जाओ पासपोर्ट दो, वो था रोहतक का ही आदमी जी जी, मतलब वो ले गया पासपोर्ट दे दिए, कौन कौन बात आ गई बजिंदर छज्जू गड़ी की। अच्छा जी। और टीम उमडेस रहेगी। अच्छा जी। मैंने इन्हें जरूर लेकर चल रहे दोनों, मैंने इन दोनों पे फोन करे, इन्हें भी सोचा अल बात मजाक कर रहे हैं, मैं उरा पासपोर्ट दे के जाओ जी चंडीगढ़, मैंने पासपोर्ट दे दिए, मारे वीजे लग गए जी, मैं कनाडा भग गया। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरी तो ये किस सन की बात है पहलवान जी? ये 2003 की है। 2003 की बात है जी। तो मैंने मान ली तो दे दिए वो, ये बाहर भग गए जी खेल, फिर बात अगले साल की आई जी। तो पहले साल आप केवल टीनू बडेसर और नहीं सिल्लू विक्रम अनिल जी टीनू जी और बजिंदर, मैं 6 जने जी 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 गए। अगले साल फिर वहाँ प्रदर्शन कैसा रहा? तो बढ़िया, ये सेमीफाइनल मार गए। अच्छा जी। मेरा तो फर्क पड़ रहा था, मैं सच्चाई वो उम्र के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ जाए, बिल्कुल ये बढ़िया खेले सारे जी जी जी, तो मैं भी खेला जी, तो सिल्लू बहुत बढ़िया खेला, नील भी बढ़िया खेला, टीनू भी बढ़िया खेला जी जी। चलो वो पहला जा रहे थे हम, जैसे हम टूर्नामेंट है 2 दिन पहले गए जी, बाकी प्लेयर पहला मैच टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे क्लबा में, उनके ग्राउंड भी पैरे लाग रहा था, बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छा, ग्राउंड का फर्क तो पड़ता है, ग्राउंड का फर्क पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सेमीफाइनल मार के 2-3 पॉइंट आता जी जी। तो फिर अगले साल फिर जाना था, फिर मैंने मेरे दोस्त जी स्पॉन्सरशिप मंगाई, फिर एक दो इनमें था जी जी, मैंने मंगाई इनके कागज पत्र जी जी जी। तो कहीं ना कहीं रास्ता तो आपने इनके लिए बनाया, बिल्कुल रास्ता तो इनने चौक गया ना फिर जाना जी जी जी। तो मैं उन प्लेयरों की तरफ से भी और हरियाणा की जनता की तरफ से इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमारे युवाओं के लिए जो उस समय के अच्छे खिलाड़ी थे उनको बाहर जाने का मौका दिया, और भगवान की दया से आज वो सभी साधन संपन्न हैं, अच्छी उनके पास नौकरियां भी है, अच्छा पैसा भी है। तो अलबाज जी हम ज़्यादा बातें लंबी नहीं खींचेंगे, फिक्सिंग को लेके क्या है जो आरोप लगते रहे, हालांकि आप पे तो नहीं लगे, जो आज की संदर्भ में हम बात करें तो मैं तो इन प्लेयरों तक ये तो इतना बड़ा नीच काम है जी जी, ये तो इन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, करने की तो जरूरत तो नहीं जी जी जी। मैं अपने जिंदगी का एक सबक बताऊंगा आपने जी, एक सीसर गांव में इंटर खुर्द भी जींद के लोग कहते हैं जी जी जी, हम किसी के घर ठहर रहे थे हाँ जी, किसी के घर में हम ठहर रहे थे जी, उनकी टीम भी सीसर की फाइनल में बग्गी मार एक पंचायत टूर्नामेंट के बाद जी जी जी। लेकिन मैं नहीं ये कहता एक पंचायत के, एक पंचायत आला भी कालना तेन कह जितने प्लेयर है खेला, तो एक पंचायत के कहते सारा हरियाणा पंजाब राज दिया, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनू, मैं इंटरव्यू बहुत देखू, मलिक साहब ले हुए हैं खेला तो एक पंचायत टूर्नामेंट है, वो अमृतसर तक राह दे सबने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैंने पता ना कितने लोग पंजाब में जीत या कितने पंजाब के हरियाणा में जीत, बिल्कुल बिल्कुल एक एक बात का पता, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उड़ा खेल रहे थे टूर्नामेंट, जिस घर में हम रह रहे थे 3 दिन तक उन्होंने 2 लड़के कबड्डी खेल रहे थे। अच्छा जी। उन्होंने जोड़ी पाके मारते कह दिया भी मारते दे दो। अच्छा जी। ये टूर्नामेंट भी ये टीम कबड्डी मतलब मैच था, मारते दे दो छोड़ दो जी जी। तो हमने उनसे कह दिया अगर जो लेना तो उरी ले लियो, हम ग्राउंड में जाएंगे, और जब ग्राउंड में गए तो मैच अलग होगा जी जी जी, बिल्कुल अपने ओर तो इज्जत बेइज्जती की बात है। तो बात ये थी पब्लिक तो उठी आ गई सारी, मारने खड़गी जी ग्राउंड में चल लो, पब्लिक सच्ची थी। तो अलबाज मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा कि जब उन्होंने कहा कि आप हमें मैच दे दीजिए, मैच दे दो, मैं
तो वो किसी एवज में था कि हम आपको कुछ पैसे देंगे कि मान सम्मान के लिए बस आपने उनकी नहीं हमारा एक भाई था पुलिस में उसके लोग पुलिस में थे जी जी गांव के ही है वो दोनों दोस्त थे उसने सोचा भी मेरे परिवार के खेल रहे हैं जाट में तो वैसे मैं राजपूत हूं जी जी उन्होंने हो गया भाई ये खेल रहे हैं तो मैच छुड़वा दे जी जी मैं हमने बोल दिया अगर ग्राउंड में गए नहीं मैच नहीं देंगे पूरी बस ले लो मन तो मतलब के तो यदि हम कहें उसको फिक्सिंग ना कहें भाईचारा कह सकते हैं क्यों भाईचारा वो भी नहीं करा अच्छा मैं ग्राउंड में भग गए अच्छा जी ग्राउंड में चले गए ग्राउंड में भग गए अच्छा जी रुल्दू है मेरे गांव का ये लड़का अच्छा जी रुल्दू को भाई था जो पुलिस में था ताई का लड़का चाचा का रुल्दू तो एक कैच मार के बाहर बैठ गया बल्कि जी मैं मैच रहा कहीं उनने अच्छा जी और सीधे कपड़े उठाए जींद आ गया मेरे तो प्राइज भी वो लोग लेके आए अच्छा जी फिक्सिंग की तो बात छो मैं खेल लिया मैं थोड़ा आठवा भी था 2000 पूरा को फर्क पड़ जाते मैंने कभी ये नहीं कहा कोई मेरी कैच ना मारो जिसका जी करा मार लो बिल्कुल बिल्कुल ये और आप लोग आंधी नहीं टूर्नामेंट खेल हम तो जाए करते टूर्नामेंट जी जी आड़ी में जाए करते आज आज लेखराज और परंत आ रहे हैं मुहूर्त तो जा रहे हैं कोई जीत तो आ रो तो आज तो ऐसा नहीं है आज तो केवल पैसे के लिए जाते हैं आप तो अड़ी में जाते थे आप कह रहे हो कि आप केवल खेलने के लिए आपका शौक था खेलना प्लेयर थे भी जो था भी उनका क्लब खेलना जी जी और पैसे तो अपने आप ही मिलेगा जो अच्छा खेलेगा उसका कभी नहीं मारेगा बिल्कुल एक अलबाज जी मैं एक छोटा सा एक दो सवाल और है मेरा कि ये एक दिन की टूर्नामेंट सही है या गलत है क्योंकि जो पहले लोगों का अब लोग दो दो तीन तीन दिन तक उस खेल का आनंद लेते थे अब केवल एक दिन की टूर्नामेंट है रात के 12-1 बजते हैं बहुत सारे प्लेयर भी ड्रिंक करते हैं बहुत सारे दर्शक भी ड्रिंक करते हैं फिर एक्सीडेंट हो जाता है दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे देखो जो ये टूर्नामेंट है वही तो मैं पहले चर्चा कर रहा था कि मैं सारे हरियाणा का प्रधान बनाया था जी 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 भी दिन में टूर्नामेंट हो जी और हमने 10-12 टूर्नामेंट करवाई भी दिन में जी 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 रात को 7 बजे बंद कर दी सारे कुछ लोग आए ने कुछ हमारे प्लेयर आए ने लाले या कुछ पब्लिक ने पोस्टर पर तो 4 लाख लिखा हुआ अच्छा जी देते हैं 1 लाख प्लेयरों को अच्छा जी तो ये भी नहीं होना चाहिए जब 1 लाख लिखा है तो 1 देना चाहिए तो 2 लिखा है 2 दो बिल्कुल 70,000 लिखा है तो 70 दो बिल्कुल अपनी बढ़ाई के मेरे पैसे तो कितने लिखा जी, जी। तो आपको लगता है ना कि एक दिन की गलत है टूर्नामेंट एक दिन की टूर्नामेंट तो गलत है और जो एक दिन की टूर्नामेंट रखनी है नहीं फिक्स 10 टीम मिलाओ बस 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 ये बिल्कुल मैं आपकी इस बात से शाम ने अपने घर होने बिल्कुल 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 वो सही सोएंगे बिल्कुल अगले दिन सही प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही खावे पिएंगे बिल्कुल बिल्कुल बच्चे तो खेल रहे हैं उनके माँ बाप भी कबड्डी खेल रहे हैं जी 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 जिसके बच्चे नहीं आंदे उसने नींद नहीं आंदी घर में जी जी बिल्कुल तो अलबाज जी एक आखिरी सवाल आपसे मेडिसिन के बारे में क्या कहना चाहोगे देख मेडिसिन मारे टाइम में तो मेडिसिन पता क्या था हाँ जी किसी ने थोड़ी वैसलीन ला ली अच्छा जी ठीक और किसी का सिर दुख गया किसी ने सिर्फ अनावल जीनो एक रहती अच्छा जी यस डिस्प्रिनो एक रहती गोली खा ली जी 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 मैं 2007 मैं कुछ 1 साल का ग्राउंड कट गया पीछे जी कुछ मारे आपस में कुछ परिवार में ही हो गया जी 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 तो मैं थोड़ा पीछे हट गया 1 साल में दूर चला गया जी 1 साल बाद में 2007 में आया जी मैं नाम नहीं लिंदा फरी प्लेयर एक बलासा भाई हमारा दोस्त है उसने अल्टो गड्डी प्राइज में रखी हुई थी अच्छा जी हरियाणा पंजाब का मैच था जी मैं कुदरती मन्ने भी ले गई हरियाणा वाले बढ़ते भी बहुत प्यार करें पहले मैं भी बिल्कुल मैं आपका मान सम्मान और आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है हरियाणा में मैं भी करूं पंजाब के साथ हरियाणा में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है पंजाब में मेरे सब दोस्त बिल्कुल हरियाणा में भी बहुत ज्यादा बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मैं वो कनाडा वाली पेपर प्यार की बात सुनाऊंगा तो ले गए जी मैं गया गड्डी करनी अच्छा। जो मैंने देखा नहीं मैं कसम से मैंने इतना बड़ा शौक लग गया इतना बड़ा मन में पिछते तो आपने देखा कि मैं 2 साल दूर हो गया कबड्डी का हो गया जी जी कबड्डी जी ऐसा होना नहीं चाहिए जी 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 तो एक छोटा सा अटपटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा कि अलबाद ने कभी वैसलीन या कोई जैसे आपने कोई नाउल जी या जो आपने एक दो टैबलेट के बताए अलबाद ने कभी इस तरीके का कोई काम किया मेरी बात सुनो कबड्डी होती है इंग्लैंड कनाडा अमेरिका में जी ये चिट्टा रुमाल ले ले चिट्टा रुमाल जी कबड्डी जे तेरा ये काला हो गया नहीं ऐसे हाँ बाहर है ग्राउंड था अच्छा जी ग्राउंड से ही बाहर है जी 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 ये तो इनका मन पे बस रही है हरियाणा वाले का भी ये लानी हो लानी है ये लानी है बस इस तरह बिना तो हम चालू नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल कई बारी बंद कर रही है और मारा क्लब भी लाई देखो वह नहीं हटे तो मैं बिला लेता पर यह जाड़ा दौर नहीं जी जी जी
कमेटी ने न्यू कह दिया नहीं लानी तो नहीं लानी। पहली बात है, एक पंचायत की टूर्नामेंट में बहुत कम खेले, बहुत तो कम खेले, खेले शुरू में खेले, फर्स्ट भी आए दड़ा जाए करें थे, फर्स्ट या सेकंड आए करें थे, बिल्कुल मैं तो ऑल ओपन खेले, बड़े मैच खेले, एक पंचायत करनी कोई रुझान रही। तो अड़बाज जी एक दो पारिवारिक सवाल, अब आपके परिवार में कौन कौन है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे क्या कर रहे हैं, और क्या आपके बच्चे भी आगे कबड्डी की तरफ कुछ अग्रसर हैं? मेरे परिवार में दो तो मैं भाई हैं, ठीक है जी, और चार दो भतीजे, तीन भतीजे दो मेरे बेटे हैं, ठीक है जी, चार मेरे सिस्टर हैं। अच्छा जी, माँ बाप मेरे गुजर गए। अच्छा जी, तो बच्चे आपके दोनों जो बेटे हैं वो? एक तो बेटा मेरा ये बेटा। अच्छा जी, एक बेटा मेरा कंपनी में लाग रहा। अच्छा जी, किसी ने यो खेती कुत्ती देखा। अच्छा जी, जो भाई दुकान दुकान देख लिया। जी जी जी, जमीन अपनी हो रही है जी सड़क पे। जी जी, तो परिवार बढ़िया, दो बहू रानी है, दोनों पढ़ी लिखी है एमए। जी जी जी, दोनों बेटे एमए। जी जी जी, सरकारी नौकरी कोई सुना लो मिली नहीं। अच्छा जी, ठीक ठीक, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि जब पिता ने तीन तीन नौकरियां छोड़ दी हैं तो वो अपने बेटों को भी ना करने देंगे, हालांकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो कोई जरूरत नहीं भी है। नौकरी तो जिंदगी में चाहिए, जरूरी है, ये तो है, आज के टाइम में तो जरूरी है, उस टाइम भी चाहिए थी और आप ड्यूटी नहीं दे सकते। तो अड़बाज जी एक चीज मैं थोड़ी सी जानना चाहूंगा कि जानना क्या है, मैं मैसेज आपसे चाहूंगा कि आज के खिलाड़ियों के लिए और आज के जो आयोजक करता है और जो दर्शक है उनके लिए आपका क्या मैसेज है, चाहे वो दर्शक हैं, चाहे वो आयोजक करते हैं जो टूर्नामेंट करवाते हैं, या जो दर्शक हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या है? मैं तो सबसे पहले कमेटी इतनी सख्त होनी चाहिए। अच्छा जी, जो टूर्नामेंट कराएगा। जी जी जी, मैं खुद यार टूर्नामेंट कराता हूँ, इतना सख्त। एक बार पंजाब की टीम आ गई जी, हरियाणा पंजाब का मैच हो गया, एक मेजर चिड़ी का ना मक्खन। अच्छा जी, मक्खन चिड़ी का नाम भी सुना होगा वर्ल्ड कप में जी। नाम जो बाबा मेरा मित्र है। अच्छा जी, कोच रहे और कट्ठे में हमने जो मंडीगढ़ बोर्ड में रहे जी, मतलब जॉब करी है, कट्ठे खेले भी बहुत है जी जी, और ये भी ब्याह शादी में एक दूसरे का आना जाना। तो कमेटी इतनी सख्त होनी चाहिए, जो फैसला ले लिया आउट जी, कमेटी ने दूसरे बका ले जी, टीम नहीं आन की, टीम ना आने भी रोके भाई, जितने यो नहीं करे तेरे टीमों नहीं आन की जी, कमेटी ने आप जाके प्लेयर से बात करनी चाहिए जी, जल्दी बुलाओ, जल्दी खत्म करो जी, ये दो चार टूर्नामेंट अप हो गया तो अपने आप इसमें सुधार आएगा। और मैं तो हर कमेटी वाले नहीं कहूँ भाई, जो ऑफिशियल है चल ठीक है, ऑफिशियल बिना ये तो एक ग्राउंड है, उनका बगैर भी नहीं सरता, बिल्कुल बिल्कुल, उन तो ही सीमित रखो जी जी जी, कमेटी इनके कोच है, डिस्ट्रिक्ट कोच है, लवे लवे पीटीआई डीपी है, बिल्कुल बिल्कुल, पुराने प्लेयर भी होंगे जो टूर्नामेंट कराता है, कबड्डी तो माँ के पेट में सीख, बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी ने पता हाँ। मन नहीं इतना नहीं पता, बाहर के दर्शकों ने ज्यादा पता, बिल्कुल बिल्कुल, 25 साल कबड्डी खेले हैं, सीख दे ही मर गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बार ले तो जाके पूछा फिर भी बढ़ती अकल देवे तमुरे गलत है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी ने पता। मेरा तो यो कहने का मतलब है कमेटी सख्त हो, कमेटी सख्त होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन अच्छे होने चाहिए, बात करो प्लेयरों तो जाके कहो जी इतने मेरे टूर्नामेंट आना ही आना, ठीक कुछ है प्लेयर नहीं आते। तो ये तो आयोजककर्ताओं के लिए, प्लेयरों के लिए क्या मैसेज है? प्लेयरों के लिए ये मैसेज है भाई, अपना देसी खुराक खाओ, बढ़िया मेहनत करो जी जी जी, दिन तक आओ दिन तक जाओ जी जी, एक्सीडेंट से भी बचेंगे, बढ़िया कबड्डी खेलो जी, और दो तीन बच्चे बड़े अच्छे खेल रहे हैं जी जी, बड़ा खुश दिल खुश हो जी जी, एक दो प्लेयर का नाम ले दीजिए थोड़ा उनको भी लगेगा कि हाँ है, तीनों के ये प्लेयर। अच्छा जी, कौन कौन? रवि, रिंकू और विवीन है जी, ठीक ठीक, बढ़िया प्लेयर जी जी। तो ये तो तीनों आपने रेडरों के नाम लिए, कुछ आपको क्या लगता है कि अच्छा कैचर कौन है आज के वर्तमान समय में? नहीं मैं एक और बात बताऊं, मैं कहूं मेरा अच्छा मैं तो पंजाब में मैच देखो इनके जी जी, पंजाब के हिसाब से तो कोई नहीं। अच्छा मैं तीनों रेडर ने अच्छा गिनू हाँ, तो मतलब कि आपके हिसाब से पंजाब खेलने के लिए अभी कोई इतना अच्छा कैचर नहीं है? नहीं, अच्छा कैचर क्यों, एक दो पकड़ मार ली, ये दो नाम सुनू मैं कैचर आगे तो जी, यो लड़का बिल्ला जी, बिलबेटा आ रही के नाम लड़का करनाल का मनीष, मनीष मानपुरा, ठीक ठीक, मैं दुन्नी के
नाम सुनो भी ये सही है, प्लेयर बढ़िया, लेकिन इन्हें भी इतना सही होना चाहिए जितने ईश्वर पंडित था, मेरा कामड़ा रुद्दू था, लेखराज था, कमल था, दलवीर चौधरी था कैचर, और पता लगा था पंजाब वाले की टीम आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडर जरूर तीनों बढ़िया, रेडर में कोई कमी नहीं है। जी जी जी, मैं सारे मैच देख, जी जी जी, पहला रेडर है हरियाणा का जो कनेडा कप है, मैं कुछ कह जाऊ टीम में वर्ल्ड कप में बेस्ट आ गया, बिल्कुल अलग बात, ये भी इतने टॉप रिंकू खरंटी बेस्ट आ रहा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने किस तरह इग्नोर कर दिया। सही बच्चा सही है जी। दर्शकों के लिए क्या मैसेज है अलबाद का? दर्शकों के लिए तो ये मैसेज है भी कबड्डी ने बढ़ावा दिया जी, अरे कबड्डी देखो जी, बाकी जो रात ने कबड्डी का कोई दर्शक कबड्डी नहीं देखता, प्लेयर और रहो। तो एक छोटा सा मैसेज सरकार के लिए कि सरकार कबड्डी को बढ़ाने के लिए क्या करे, और जिससे जो कबड्डी जो सर्कल कबड्डी के प्लेयर उनको भी नौकरी मिले उसके लिए आपका? नहीं, मैं वही तो बात कह रहा था, मैं कहना चाहूंगा जब हमारे मैच हो करते नहीं जी कबड्डी के, तो कोई मंत्री नहीं कहेगा यार कबड्डी का मैच कराऊ रहा, मैं भाषण देना आऊंगा। हाँ। जैसे हीरोइन ने बुलाते हैं लोग, जी जी जी, कबड्डी लोग इकट्ठे करने वास्ते कबड्डी का मैच कराया करते। अब इन सरकार ने कबड्डी खत्म कर दी, कबड्डी खत्म कर दी, स्कूल में तो खत्म कर दी। जी 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 जी, एक खेमका आ गया, एक अनिल विज थे, प्लेयर आ रहे सरदार जी, संदीप जी से कुछ उम्मीद है कुछ अच्छा करें तो कबड्डी। मैं तो कहूँ इनका करो अच्छा बेचारे, बिल्कुल कबड्डी के बारे में बिल्कुल, लेकिन कबड्डी सरकार ने नहीं, कबड्डी प्लेयर ने खत्म कर। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अलबाज जी का और हमारे दर्शकों का भी, अलबाज जी को तो मैं बार बार धन्यवाद करूंगा कि एक इतने महान प्लेयर के साथ मुझे बैठने का और एक चर्चा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करूंगा चर्चा 24 की टीम को और स्पोर्ट्स लाइव की टीम को कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं एक महान खिलाड़ी के साथ एक चर्चा कर सकूँ। इंटरव्यू मैं इसको नहीं कहूँगा, एक चर्चा ही हमने की है। तो अलबाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जब हम आए तो इन्होंने हमारा बहुत मान सम्मान किया, और जैसा इनके बारे में सुना था कि बहुत अच्छे इंसान है और नेचर के तो बहुत ही अच्छे इंसान है कि जैसे आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप आज इनसे पहली बार मिलो, तो ऐसा लगता है कि हम इनको काफ़ी समय से जानते हैं। तो अलबाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो कुछ साथी आपके गांव से भी आए हैं, आपके सरपस्सा भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा इतना मान सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को द चर्चा और स्पोर्ट्स लाइव को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।